मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। हमारी चर्चा चल रही है वीतरागता और सर्वज्ञता पर। वीतरागता में बहुत सारी चर्चा हमने पिछले 3-4 दिनों में करी है। जो अगला पॉइंट आज हम मुख्य विषय की तरह लेना चाहते हैं वो ये है कि आज मैं जैसा भी हूं, थोड़ा पापी हूं, मेरे परिणाम भी बिगड़ते हैं, कषायें उत्पन्न होती हैं मुझे। कोई भी कितने ही सफेद कपड़े पहन ले, कितने ही अपने चेहरे पर कितना ही भद्र परिणाम क्यों ना रख ले, हम जितने भी संसारी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टियों को मिलाकर मैं ये बात करती हूं कि हम सब में कुछ तो कषायें हैं ना। और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती, यानी कि जब तक मैं स्वयं अरहंत नहीं बन जाता, जब तक मैं स्वयं पर्याय में भगवान नहीं बन जाता, तब तक ये सारी कमजोरियां रहेंगी। अब पॉइंट ये है कि हमें ये जानना है कि किसके रहते हुए मेरा कल्याण हो सकता है और किसके रहते हुए मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ध्यान से इसलिए समझने की है क्योंकि हमने ये तो कन्विंस कर लिया अपने आप को कि मेरा जो कल्याण है वो वीतरागता में ही है। मुझे अगर निराकुल होना है, मुझे अगर शांति चाहिए, तो वो वीतरागता में मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा राग उतनी ज्यादा आकुलता, जितना कम राग उतनी कम आकुलता, और नो राग इक्वल टू नो आकुलता। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। यदि कोई यहां तक नहीं पहुंचा है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज एक बार वापस रिवाइज कर लेना, उसके बिना ये आज की बात समझ नहीं आएगी। और यदि मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो हमने समयसार की विषय वस्तु की शुरुआत करी थी गाथा 34 से लेके 38 तक, गाथा 34, 35 और 36 तीनों की बात आज जो मैं बात करने वाली हूं उसका सार यहाँ पे आने वाला है। शब्द बहुत सिंपल होंगे, समय सार इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल ही है, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं जो आचार्य समझाना चाहते थे, और जो समझाने के लिए आचार्यों ने जानते हुए भी कि शुभ परिणाम उनके लिए जलती हुई रेत के समान है, फिर भी ये कार्य किया। गुरुदेव की भाषा में यदि बात करूं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि भगवान के समवशरण में जो चर्चा होती होगी, एक बार हम उसका अंदाजा लगाएं। भगवान के समवशरण की महिमा बताने के लिए बैकग्राउंड प्रिपेयर करके गुरुदेव कहते हैं पहले कि जो 32 लाख विमानों का राजा ऐसा सौधर्म इंद्र, हर विमान में असंख्यात देव रहते हैं, इतनी बड़ी प्रजा का राजा वो सौधर्म इंद्र, जो एक भवावतारी है यानी कि अगले भव से मोक्ष जाने वाला है, ऐसा सौधर्म इंद्र, द्वादशांगी होते हैं, ऐसा सौधर्म इंद्र, ऐसा सौधर्म इंद्र भी जिसकी पटरानी भी एक भवावतारी हो, हजारों रानियों में जो पटरानी है उनकी, वो भी अगले भव से मोक्ष जाने वाली है। मतलब आप लेवल देखो सौधर्म इंद्र का, ऐसे सौधर्म इंद्र भी जिस भगवान के समव शरण में जाते हैं और अन्य छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संतों के साथ, गणधरों के साथ ऐसी सभा में बैठते हैं, वहां भगवान जो बात करते होंगे, क्या वो बात ऐसी हो सकती है कि दया करना एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है? क्या वहां ये बात होती होगी कि हरी खाना छोड़ दो और जमीकंद छोड़ दो, 10 लक्षण पर्व मना लो, ये बातें होती होंगी वो दिव्य ध्वनि में जिससे एक साधारण पामर परमात्मा बन जाता होगा?
क्या बात होती होगी, ये वो बात है जो वहां बात चलती है, और जिस बात को समझकर कुछ भी हमारी आज की अवस्था हो, कोई भी हमारी आज की पर्याय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कोई पूछे कि मैं काला हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, कि हाँ बन सकते हो ना, हमारे तीर्थंकरों में कितने काले नीले थे, मिल जाएगी गिनती आपको। कोई बोले मैं ठिगना हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, कि हाँ बन सकते हो ना। अब सुनना, कोई बोले आप जानते नहीं है मेरे मन में ऐसे हिंसा के परिणाम आए हैं, मेरे को खुद जब अपना विचार आता है इन परिणामों का तो मुझे लगता है कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कैसे। एक बार के लिए किसी को देख के मन हो गया कि मार ही डालता मैं तो। सच बात बताना कि जिस जीव के ऐसे तीव्र हिंसा का परिणाम हो, कैसा जीव मोक्ष जा सकता है? हाँ या ना बता दो, ऐसे गर्दन हिला के जितने लोग दिख रहे हो, दो चार छह, जा सकता है? कि इतिहास गवाह है, प्रथमानु युग में कहानियां भरी पड़ी है, लड़ाई लड़ लड़के युद्ध भूमि से सीधे दीक्षा ली गई है। जीवनधर स्वामी का चरित्र देखो, उनके पिताजी क्या हुआ, क्या था उसका नाम, दिमाग से निकल गया, वो जो उनका मंत्री था काष्ठांगार, वो काष्ठांगार ने उसके ऊपर जैसे ही हमला किया, मतलब कई बार तो पढ़ के ही समझ में नहीं आता है कि इतनी फास्ट इतने काम हो कैसे गए। वो कहा कि वो लड़ाई लड़ने गया, उसने देखा सब मेरे विरोधी हो गए हैं, उतने में वैराग्य हो गया, और वैराग्य हुआ तो वहीं अपने वस्त्र आभरण छोड़े, मुनि दीक्षा धारण करी, और उतने में ही उनको मार दिया गया। मतलब अभी तलवार उठाई हुई थी हाथ में, और सीधे तलवार रखकर, मतलब अगर तो कोई प्रवचनकार आपके पास आ जाए ना कि अभी चार छह लोगों के सिर कलम करके आ रहा हूं और अब तुमको आत्मा की बात समझाता हूं, तो अपने को पचे नहीं। ऐसा आदमी को देख के हमें लगे नहीं कि ये भी मोक्षगामी जीव हो सकता है। और तो और, ये कोई कह दे कि हाँ चार छह भव बच जाएगा तो फिर भी पच जाए बात, कोई कहे इसी भव से कोई आदमी चोरी कर रहा हो, चोरों का लीडर, उसे देख के हमारे मन में ये परिणाम आ सकता है कि ये व्यक्ति अभी इसी भव से मोक्ष चला जाएगा थोड़े ही काल बाद, ऐसा लगता है हमें? पचती नहीं है ना बात। लेकिन फैक्ट ये है कि चाहे हिंसा की पराकाष्ठा देखो, चाहे झूठ की पराकाष्ठा देखो, चाहे चोरी की पराकाष्ठा देखो, चाहे कुशील की पराकाष्ठा देखो, और चाहे परिग्रह की पराकाष्ठा उसी जीवन में एक पल पहले देखो तो नजर आए, और एक पल बाद आप देखो उसको वैराग्य हो जाए, मुनि दीक्षा ले ले, और मुनि दीक्षा लेकर हमें पता नहीं चले उतने अंतर मुहूर्त में तो उसका मोक्ष हो जाए। तो कषायें कितनी भी तीव्र हो, वो मोक्ष जाने में बाधक नहीं है। ये बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की। लेश्या कृष्ण लेश्या हो, समझते होगे ना आप लोग लेश्याओं के बारे में थोड़ा बहुत? तो मैं तुम लोगों की उम्र देख के 15-16 साल के बच्चे घबरा जाती हूँ कई बार कि मैं कितनी बात करूं और कितनी नहीं करूं। तो कृष्ण लेश्या यानी कि ऐसी लेश्या होती है जो सातवें नरक के जीवों की होती है, ऐसे परिणाम होते हैं जैसे समझो शायद ओसामा बिन लादेन के हुए रहे होंगे, सारे काफिरों को मार दो, कर दो हत्या, मतलब तीव्र हिंसा के परिणाम। एक मच्छर मुझे काट जाए तो पूरी दुनिया से मच्छरों का नामो निशान हटा दिया जाए, ऐसी जो तीव्र कषाय है वो है कृष्ण लेश्या। ऐसी तीव्र कषाय वाला व्यक्ति उसी भव से मोक्ष जा सकता है कि जा सकता है, इसका मतलब है कि कषाय उसके आड़े नहीं आती। इतना राग रहते हुए, इतना राग होते हुए भी मोक्ष हो सकता है उसी भव में, इसका मतलब है कि ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अभी ये तो मैंने उस भव की अपेक्षा बात करी,
पर्याय की अपेक्षा भी बात करेंगे, घबराना मत, एक एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप मुझे ये बताइए कि जब कषायों के रहते हुए भी नौवां गुण स्थान तो हो जाता है, दसवें गुण स्थान के अंतिम समय को छोड़ दो, मतलब आप समझ रहे हो मैं कौन से गुण स्थानों की बात कर रही हूं, मतलब समझो छपक श्रेणी है तो अरहंत बनने के जस्ट अंतर मुहूर्त पहले की बात कर रही हूं। साधुओं के भी गोमट सार ग्रंथ में कौन कौन सी लेश्याएं हो सकती हैं इसका वर्णन आता है, सर्वार सिद्धि में भी आता है, मतलब सिर्फ उनके भी शुक्ल शुक्ल लेश्या चलती होगी ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतनी कषायों के रहते हुए भी जो जीव अरहंत बन जाता होगा वो उन कषायों के साथ में क्या फील करता होगा जब उसके जीवन में कषाय आती होंगी। मैं सम्यक दृष्टि जीवों की बात शुरू करूंगी, फिर हम मिथ्या दृष्टियों तक भी आएंगे। मैं उस लेवल की बात करूंगी जो स्वयं साधु हैं, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती, हो सकता है अभी अभी उपशम श्रेणी से गिर कर आए हैं, वो पूर्ण वितरागता जो ग्यारहवें गुण स्थान में प्राप्त हो सकती है उसको चख कर आए हैं, ऐसे जीवों की भी बात करो। और वो जीव जब छठे गुण स्थान में होते होंगे तो कषायों का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि जो साधु जब आहार लेने जाता है, जो साधु अभी शास्त्र की रचना कर रहा है, वो सारे साधु छठे गुण स्थान के होते हैं। नहीं समझते हो तो चिंता मत करना, जब समझोगे तब डिटेल में समझाया जाएगा, पर इतना समझ लो कि जब शुभ परिणाम में होते हैं साधु, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं। शुभ परिणाम कषाय है कि नहीं है, शुभ परिणाम राग है कि नहीं है, शुभ परिणाम वितरागता है कि राग है, हाँ, शुभ परिणाम पाप है कि नहीं है, शुभ परिणाम बंधन है कि नहीं है। ये शुभ परिणाम ही है जिसके कारण वो साधु अभी तक भगवान नहीं बन पाए, अशुभ परिणाम को तो छोड़ के आ गए बहुत पहले, अशुभ परिणाम ने उनके मोक्ष को नहीं रोका, शुभ परिणाम ने उनके मोक्ष को रोक रखा था। आपको पता है कुंदकुंदाचार्य उनका लिमिटिंग फैक्टर क्या था, कुंदकुंदाचार्य आगे क्यों नहीं बढ़ पाए उस साधु अवस्था से, ये शुभ परिणाम ही वो बेड़ी थी जिसने उन्हें संसार में बांधे रखा था। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन भले ही खतरनाक हो कि कैसा ही हो, बात मुझे ये नहीं करनी है कि कितना खतरनाक है, बात तो हमें ये करनी है कि वो शुभ परिणाम के रहते हुए या अशुभ परिणाम के रहते हुए भी क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उससे कोई फर्क ना हो। यह हमारा आज लक्ष्य, वो राग द्वेष के रहते हुए, वो कषायों के रहते हुए, वो कषायें मुझे इंपैक्ट ना कर पाए, वो राग द्वेष मुझे दुखी ना कर पाए, मुझे परेशान ना कर पाए, क्या ऐसा हो सकता है। देखो अपन पहले शरीर की बात करते हैं तो और सरल होगी, और फिर वापस आते हैं राग द्वेष के पास। क्या शरीर में ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हो और हम पे कोई असर ना हो, कोई फर्क ना हो? नहीं, दिव्यता बोल रही है नहीं हो सकता है। देखो ऐसा तो हो सकता है ना कि मेरा घर है 500 किलोमीटर दूर और वहां आग लग जाए और मुझे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा हो सकता है? ये कब होता है? ये दो केसेस में हो सकता है, सुनना मजा आएगा। पहला केस तो ये कि मेरे घर में आग तो लग गई पर मुझे तो पता ही नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्यों दुखी होऊंगी? और दूसरा पता है क्या हो सकता है कि वो घर मैं अपना मान रही थी और मुझे पता चल जाए कि अरे सुन, अपन ने एक महीने पहले ही रजिस्ट्री करा दी है, मकान बेच दिया है, वो अपना नहीं है जो जला है, ये तो किसी और का है, कि अपना पेमेंट पूरा आ गया था क्या? अपना पेमेंट आ गया तो हमें शांति मिल गई कि चलो भैया अब कोई तकलीफ नहीं है, अब तो उसका घर जला है। दो तरीके हो सकते हैं ना, एक तो मेरे ज्ञान में झलके नहीं और एक मेरे ज्ञान में झलके लेकिन पराय रूप से झलके। ऐसे शरीर के साथ भी दो चीजें हो सकती है। आप जानते हो कि शरीर के साथ कुछ हो ये अनिवार्य नहीं है कि मुझे पता ही चले, हाँ ऐसा भी होता है क्या? आपको पता है हमें पता कब चलती है कोई बात? एक बार
सिर्फ उपयोग चला जाए तब नहीं पता चलती है, जब उपयोग वहां टिका रहे तब पता चलती है। सुनना, पता चलने का अर्थ भी बता रही हूं मैं कैसा। कर्मों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल कर्म जब उदय में आए ना, समझो मेरे ऐसे कर्म का उदय आया कि मुझे पेट में दर्द हो, नॉर्मल कर्म उदय में आए तो पता नहीं चलता है कि पेट दुख रहा है, पता ही नहीं चलता है कि पेट दुख रहा है। जब कर्मों की उदीर्णा होती है, जब एक साथ मिलकर दूसरे और कर्म भी अभी आने वाले उदयावली का साथ देते हैं, तब वो क्रिएशन होता है पेन का, जो वो पेट दर्द जो हमें महसूस होता है वो तब पता चलता है जब मिलकर आते हैं खूब सारे। ऐसे ही समझो एक योद्धा है और वो योद्धा गया सीमा के ऊपर अपने देश के बचाव में लड़ाई लड़ने। उसका उद्देश्य बहुत सिंपल है कि हमारे देश पे दुश्मन ने कब्जा कर लिया है और हमें उसे खदेड़ देना है। उस योद्धा के हाथ में यहां पे गोली लग गई तो वो योद्धा क्या करता है? उसे पता चलता है कि नहीं पता चलता है कि गोली लग गई है कि नहीं? नहीं पता तो चलता है। तो क्या वो अपने हाथ को पकड़ के बैठ जाता है बंदूकों को फेंक कर दुश्मन के सामने कि मेरे तो गोली लग गई है ना, अभी तो मुझे थोड़ा इसका संवार करना पड़ेगा भाई, थोड़ा रोऊंगा धोऊंगा थोड़ा परेशान होऊंगा। कि अपने हाथ को भूल कर, यहां तक कि ऐसे योद्धाओं की कहानियां भी आपने देख ली होंगी कि अगर हाथ समझो किसी पेड़ के नीचे आ गया है या किसी टैंकर के नीचे आ गया है तो खुद अपने हाथ को काट के आगे बढ़ जाते हैं दूसरे हाथ के भरोसे। किसी का अगर रेल की पटरी में हाथ आ जाए और ट्रेन आ रही हो तो क्या करेगा वो आदमी? हाथ कट जाने देगा ना। वो योद्धा क्या करता है कि उसका हाथ उसमें गोली लग जाए वो कट जाए तो भी उसका जो उपयोग है वो एक समय के लिए ये जान लेता है कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ लगा है गोली में वगैरह वगैरह, लेकिन उसका सारा उपयोग सामने दुश्मन पे उस चौकी पे चला जाता है, अपने दूसरे हाथ पे चला जाता है जिसके भरोसे वो आगे बढ़ के और अपना काम कैसे कर सकता है। ये प्लानिंग में लग जाता है, स्ट्रेटजी में लग जाता है, मैं अपने हाथ और पैर को मिला के कैसे काम कर लूं, जितना बचा हूं उससे कैसे काम कर लूं, छोड़ो जो गया वो गया। वही आदमी जब बाद में अस्पताल में भर्ती होगा तो फिर दिन रात वापस अपने हाथ के बारे में विचार करने लग जाएगा। आप बोलोगे योद्धाओं की बात मत करो हमसे, हम तो सामान्य लोग हैं। कि सामान्य लोगों की बात करूं, बच्चे सामान्य होते हैं कि नहीं होते हैं? 8, 10, 12 साल के बच्चे सामान्य होते हैं कि नहीं होते हैं? कमजोर प्राणी होते हैं कि नहीं होते हैं? जिन्हें एक इंजेक्शन दिखा दो अगर गलती से तो आधा घंटे पहले से उनका रोना स्टार्ट होता है और 2 घंटे बाद तक चलता है, वो सामान्य होते होंगे? वो तो सामान्य ही होते हैं ना। ऐसे बच्चों को भी यदि क्रिकेट खेलने भेज दिया जाए और बाहर भेज दिया जाए, उन्हें पता नहीं चलता है कि चोट कब लग गई। अगले दिन जब मम्मी नहला रही होती है या पढ़ाई करने बिठाती है तो बोलते हैं अरे बाप रे ये तो चोट लग गई थी कल खेलते खेलते। हाँ नहीं, मेरे को स्ट्राइक तो हुआ था, कुछ तो हुआ है, पर वो सिक्सर लगा था भाई, कैच आउट कर रहा था मैं तो। इसका मतलब ये समझो कि वो पोटेंशियल हम सब में है। अभी तो मैं शरीर के लेवल की बात कर रही हूं, अभी राग पे आऊंगी। ये शरीर में भी उपयोग में एक समय के लिए कोई बात आ जाए तो हम उसका इतना वेदन नहीं करते जितना कि जब हमारा उपयोग वहां पे टिका रहे तब उसका वेदन करते। देखो चाहे शरीर हो, चाहे विचार हो, चाहे प्रतिकूल संयोग हो, चाहे अपना दुर्भाग्य हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई हमारा प्रियजन हमें छोड़ के सदा के लिए चला गया हो, आंसू कब आते हैं आंखों में? जब उनके बारे में सोचते हैं, जब उनके बारे में विचार करते हैं। जब किसी और काम में बिजी हो जाते हैं तब तो हमें वो आंसू नहीं आते ना, उन पलों में तो हम भूल जाते हैं ना। जब किसी के घर में किसी बहुत प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, 3 दिन तक उसके यहाँ ऐसे मेहमानों का तांता लग जाता है, इतने मिलने वाले लोग आते हैं, इतनी व्यवस्था करनी होती है सबके खाने की पीने की रहने की,
अक्सर हमने लोगों को देखा है कि 3 दिन निकलने के बाद जब सब चले जाते हैं और वो घर में शांति से बैठते हैं, फोटो देखते हैं, तब उनको याद आती है और फिर रोना आता है। धक्का तो तब लगा था कि जब पता चला कि चले गए हैं, लेकिन हमारा उपयोग ये बहुत जादुई है, चमत्कारिक है। ये उपयोग में ऐसी शक्ति है कि किसी प्रॉब्लम को जब जानोगे तो वो प्रॉब्लम पता चलती है, जब उस प्रॉब्लम को जानोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। एक एक्सपेरिमेंट करा दूं अभी अभी आप लोगों के साथ ही, मजा आ जाएगा। करा दूं? ठीक है, कराते हैं। एक काम करो कि अपने शरीर में अपने आप को अपने हाथ पे चिमटी दो, जोर से, थोड़ी जोर से देना, ऐसे लगना चाहिए कि लगी है। अब जिस जगह लग रही है एक बार उसकी अपेक्षा सोचना, तो ऐसे लगेगा छोड़ हाथ हटा, क्यों इरिटेट कर रहा है। अब जिस हाथ से तुम चिमटी ले रहे हो उस हाथ की अपेक्षा सोचना, और जोर से, और जोर से। अभी उपयोग होना चाहिए उस हाथ पर जो जोर से दबा रहा है, उस हाथ पे नहीं जो जोर से दब रहा है। एक्सपेरिमेंट करना, सच्ची कह रही हूं, करना। जैसे ही ध्यान उस हाथ पे जाएगा जो जोर से दबा रहा है, तो जो दब रहा है वो ख्याल नहीं आएगा, उपयोग को दब रहा है। जब वहां पहुंचेगा तो पता चलेगा, अरे हटा, क्यों फालतू में अपने आप को टॉर्चर कर रहा है। मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा हुआ है, जब सिर दर्द हो ना तो पेट के बारे में सोचना, मेरा पेट तो दुखी नहीं रहा है, मेरा पेट तो एकदम बढ़िया है, सिर दर्द भूल जाओगे। जब पेट दर्द हो रहा हो तो ऐसे सोचना, अरे मेरे को तो खांसी नहीं है, गला दुखी नहीं रहा है, जुखाम ही नहीं है, एकदम सिर परफेक्ट है। सही में ट्राई करके देख लेना अगली बार सिर दर्द हो तो। अरे इस तरफ सिर दर्द हो रहा हो और इस तरफ के बारे में सोचोगे तो तुम इस तरफ को भोगोगे, इस तरफ को नहीं भोगोगे। पूरा शरीर टूट रहा हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाए, कोई और चीज के बारे में विचार करने लग जाओ, मैं बताऊं क्या करो। रागी द्वेषी जीव हो ना, फिल्म देख लो एक अच्छी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी, खूब खांसी जुखाम हो, खूब पेट दुख रहा हो, बढ़िया सी फिल्म देख लो एक, कुछ पलों में ये भूल जाओगे कि अरे खांसी जुखाम थी या पेट दुख रहा था, वो बहती हुई नाक कब रुक गई ये पता ही नहीं चलेगा हमको। मेरे साथ हमेशा का ये रूल रहा है बचपन से कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी तब मैंने कभी आज तक छुट्टी नहीं ली। तबीयत खराब हो तो स्कूल जाना ही जाना है, कॉलेज जाना ही जाना है, ऑफिस जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ट्राई करके देख लिया एक बार कि घर में बैठे तो दिन भर अपनी नाक, अपने गले को, अपने बुखार को पकड़ के बैठे रहे, अपने दर्द को ही झेलते रहे, और जिस क्षण हम निकल गए ऑफिस में पहला कदम रखा, तब तक तो अपना दर्द समझ में आ रहा था, और जैसे ही सारी दुनिया नजर आई शाम को याद आया कि अरे हाँ सुबह तो मुझे दर्द हो रहा था। ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे साथ लाइफ में हमेशा होता है ऐसा। पहले मैं एक जिस ऑफिस में जाती थी तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी, मुझे इतनी नींद आने लग जाती थी, सुबह सुबह सोके उठी हुई, फ्रेश होकर नाश्ता करके ऑफिस निकला हुआ व्यक्ति, और वो 1-1.5 घंटे की ड्राइव में मुझे इतनी तेज नींद आने लग जाती थी, ऐसा लगता था कि यार आज तो घर ही चले जाते हैं वापस। और हर बार की ये हिस्ट्री रही है कि जैसे ही गाड़ी पार्क करी नींद का विचार दिमाग से चला गया, जैसे ही वो विचार दिमाग से चला गया पता ही नहीं चला कि नींद आ भी रही थी कि कब चली गई और कहाँ चली गई, सीधे रात को पता चला, और अगले दिन सुबह पता चला कि हाँ कल भी नींद आ रही थी मुझे तो। इस ये फैक्ट है, ये लाइफ का हर चीज में फैक्ट है, ये लाइफ का। हम सोचते हैं तो बुरा लगता है, हम सोचते ही नहीं है तो बुरा नहीं लगता है। कई लोग ये चर्चा करते रहते हैं, यही बातें करते रहते हैं, हमको इस प्रोग्राम में बुलाया नहीं, इनका फोन नहीं आया, आजकल खाली व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तुम्हें बुरा तब लगेगा जब तुम इस बारे में सोचोगे, तुम सोचोगे ही नहीं तो बुरा ही नहीं लगेगा। ये आर्ट समझो, मेरे पास क्या हथियार है ये समझो कि मेरा उपयोग जिस चीज पे लग जाता है उसको भोगता है, जिस पे नहीं कनेक्ट करता है उसको नहीं भोगता है। और दो तरीके से ये काम होता है, एक तो जहां रुचि होती है वहां उपयोग लंबाता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूं, जहां रुचि होती है वहां उपयोग लंबाता है,
और जहां रुचि नहीं होती है या जिसकी उस वक्त हमें इंपॉर्टेंस नहीं लग रही होती है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं। शरीर में रुचि है, जैसे उस मकान में रुचि थी कि ये तो अपना मकान है तो हम उपयोग लंबा रहे थे, जैसे ही रुचि गई वैसे ही मेरा उपयोग भी चला जाता है वहां से। अभी रिसेंटली एक असली घटना घटी, आप लोगों ने शायद 2 हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हिमाचल में एक लैंडस्लाइड हुआ और कुछ टूरिस्ट मारे गए, पढ़ा होगा अखबार में, न्यूज चैनल में, मोबाइल पर, जहां भी, जिसमें 8-9 टूरिस्ट करीब मारे गए, कोई एक टेम्पो ट्रेवलर था जिसके ऊपर वो पत्थर गिरे। मैंने वो वीडियो देखा मोबाइल में, न्यूज में आया था, उसका वीडियो भी आया था, वो पत्थर गिरते हुए। चाय पीते पीते एक सेकंड के लिए ऐसे ही देखा, घर में सबको दिखाया, मैंने बच्चों को दिखाया, पति को दिखाया, भाई को दिखाया, देखो 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 कैसा लैंडस्लाइड हुआ, आंखों के देखते देखते ये ब्रिज टूट गया, ये पत्थर आ गए, देखो देखो। और हम उस फिर घटना को भूल गए। अब सुनना क्या हुआ, अगले दिन मेरे ऑफिस से फोन आया, और ये मैं सत्य घटना बता रही हूँ, ये सिर्फ उदाहरण नहीं दे रही हूँ। अगले दिन मेरे ऑफिस से रोते रोते बाकी के कलीग्स का फोन आया कि अपने जो कलीग रिचा बियानी थी, अभी अभी वेकेशन लेके गई थी हफ्ते भर पहले कि मैं हिमाचल वेकेशन पे जा रही हूँ, ऑफिस के लोगों को भी कन्विंस कर रही थी तुम भी चलो ब्रेक लेते हैं, 1.5-2 साल से कहीं गए नहीं है। वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ जिस टेम्पो ट्रेवलर में टोटल 9 टूरिस्ट मरे, उस टेम्पो ट्रेवलर में वो, उसका सगा भाई, 24 साल की लड़की थी, ऑफिस में काम करती थी, पर ये इसका सगा भाई और इसकी माँ, ये 3 जन उस टेम्पो ट्रेवलर के 9 जनों में ऑन द स्पॉट मारे गए। अब क्या हुआ, अभी तक जो मेरे लिए एक पराई खबर थी, जो एक टाइम पास चाय पीकर देख लेने जान लेने की बात थी, अब मेरी रुचि आ गई। क्यों रुचि आ गई, क्योंकि रिचा बियानी, मैंने नाम तो देखा ही नहीं था पहले, तो हमने नाम ही नहीं पढ़ा कौन मरे थे, हमें क्या करना, कोई मरे होंगे टूरिस्ट हिमाचल में। अब जब ऑफिस से पता चला तो नाम देखा, अभी भी आप गूगल करके देखोगे रिचा बियानी नाम तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही नाम देखा और फिर अब पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करी, कहाँ थे, क्या थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या हो रहे थे। आप ये देखो, ये रुचि की तीव्रता हुई तो मेरा उपयोग लंबाता गया। उसकी ही चर्चा, उसकी ही बात, वापस मैंने घर में बात छेड़ दी। और यदि उल्टा होता कि कोई घटना घटती और हम बोलते नहीं, नहीं नहीं कोई अपना नहीं गया, तो हम वापस चाय की चुस्की में उसको निपटा देते। ये रुचि और ये उपयोग, यानी श्रद्धा और ज्ञान, ये ही हमारी निरंतरता को डिसाइड करता है, यानी कि चारित्र। अब हमको क्या देखना है यहां पर, कि जिस शरीर की मैं बात कर रहा हूं, जिस परद्रव्य की, जिस संयोग की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो इसके लेवल से समझते हैं कि ये सब, इन सब का अस्तित्व मेरा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो आप, मेरा इनसे कोई रिश्ता है कि नहीं, ये मेरे कुछ काम के हैं, मेरा इनसे कुछ लेना देना है। हाँ, इस शरीर की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ पति पत्नी बच्चों की, घर की, सबकी बात नहीं कर रही हूं, इस शरीर की बात कर रही हूं जिसमें आत्मा के प्रदेश आज की तारीख में है। एक दिन मैं उबर में जा रही थी, ये भी सच में हुआ, और ये तब की बात है, तब मैं प्रेग्नेंट भी थी, ऑफिस के किसी मीटिंग से उबर में जा रही थी, वो उबर का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि बॉम्बे में ट्रैफिक इतना रहता है, सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा और इसने जाके उसको ठोक दिया। मैं पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, झटका लगा पर कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताना, नहीं, गाड़ी में तो 50-60 हजार से ज्यादा का खर्चा आया। वो ड्राइवर ने मुझे बताया काफी आगे का पूरा जो बम्पर और वो सब होता है ना, क्रश हो गया था, काफी नुकसान हुआ गाड़ी को। मैं वैसी की वैसी एकदम रही, झटका जरूर लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ कि मैं कितनी दुखी हुई, क्यों नहीं दुखी हुई, गाड़ी गई, 50 हजार रुपए ठुके, और उस गाड़ी में मैं उस वक्त बैठी भी थी, खास बात ये सुनना, उस गाड़ी में मैं बैठी थी भाई,
अरे जैसे ही वो गाड़ी ठुकी, उस ड्राइवर ने बोला कि मैं उबर में फोन कर रहा हूं, आपको दूसरी उबर यहां से आगे ले जाएगी। हाँ, मैं उस उबर में बैठी हुई थी, ये शरीर में मैं आज बैठी हुई हूं, लेकिन ये शरीर ठुक जाता है तो क्या होता है कि मैं दूसरी उबर में चली जाती हूं। मतलब बात समझो, ये शरीर में मैं आज हूं ये इस बात को प्रूव नहीं करता है कि इस शरीर से मुझे इंपैक्टेड होना जरूरी है। और एक बात बताऊं, हमारी ये समझो जो ये राग या एकत्व बुद्धि बोले शरीर के साथ, उसका कमाल ऐसा है कि यदि मेरी मर्सिडीज हो और वो ड्राइवर लेके गया हो और ठुक जाती है, और ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ और मेरी मर्सिडीज में 5 लाख का खर्चा आ गया, तो मुझे कष्ट होता है कि नहीं होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो उस गाड़ी में बैठी भी नहीं थी भाई, मैं तो घर पे बैठी थी। कि तुम घर पे बैठे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा? कि नहीं 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 बहुत फर्क पड़ा, वो मर्सिडीज जो ठुकी थी वो अपनी थी भाई। ये शरीर में, जिस शरीर में मैं रह रहा हूं आज की तारीख में, इससे जिन जीवों का जुड़ान खत्म हो जाता है, जो हमारे मुनिराज उनके ऊपर उपसर्ग हो जाए, उनके उपयोग में ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा कि शरीर में क्या हो रहा है। क्योंकि बाहुबली भगवान यदि, बाहुबली मुनिराज यदि 1 साल तक खड़े रहे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि अंतर मुहूर्त तक भी शुद्ध उपयोग में नहीं टिक पाए थे, इसलिए 1 साल खड़े रहे। मानोगे मेरी इस बात को? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त टिक गए होते शुद्ध उपयोग में तो उनका मोक्ष हो गया होता भाई। 1 साल खड़े रहे इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन एक बार में 48 मिनट तक भी कंटिन्यूअसली नहीं रहा था, ये बात पक्की है। अब ये बात जब पक्की हो गई तो जब उपयोग बाहर आता होगा बाहुबली मुनिराज का, उनको ये पता नहीं चलता होगा कि मेरे ऊपर बेलें चढ़ गई हैं। उनको ये पता नहीं चलता होगा, ज्ञान में गए की तरह ये बात आती नहीं होगी कि ये चीटियों ने बामियां बना रखी हैं। तो फिर उन्हें दुख क्यों नहीं हुआ? शरीर के अंदर ही तो उनके आत्मा के प्रदेश थे, इसलिए दुख नहीं हुआ क्योंकि वो शरीर में जो भी हो रहा था उसको पर गए की तरह तो उनने जान लिया था, और क्योंकि रुचि नहीं थी तो उसको जानने में उपयोग को लंबाया नहीं, और जब जानने में उपयोग को लंबाया नहीं तो उसका वेदन ही नहीं हुआ। कभी ट्राई करना आज कि अग्नि हो ना, अग्नि, आग लगाना एक मोमबत्ती के ऊपर, ऐसी उंगली लेके जाना उसकी फ्लेम में, यूं करना यूं करना यूं करना यूं करना, किया है कभी ट्राई? बचपन में तो हम बहुत किया करते थे, अपनी उंगली को अग्नि की, वो जो मोमबत्ती की अग्नि है उसमें से यूं 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 करो तो कभी जलाती नहीं है। तो कब जलाती है? कि जब उसमें थोड़ी देर टिक जाए, रुक जाए, रह जाए। उपयोग यदि परद्रव्य में चला गया, शरीर में चला गया, उपसर्ग में चला गया, मेरे साथ क्या क्या नहीं घट रहा है, मेरे हाथ में गोली लग चुकी है, मेरा हाथ कट गया, इस सब में लग गया, तो भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उपयोग वहां गया, उसकी हेता जानी और वापस अपने आप में आ गया, कुछ नहीं हुआ। गड़बड़ तब होती है जब उपयोग वहां टिका रहता है, गड़बड़ तब होती है जब उपयोग वहां पे स्थाई हो जाता है। अब देखो, स्थाई को काटना है तो किससे काटना पड़ेगा? स्थाई से काटना पड़ेगा। पर के स्थाई पने को काटना है तो स्व के स्थाई पने से काटना पड़ेगा भाई। हाँ, अब आते हैं हम राग पर, कि वो मुनिराज के कुंदकुंदाचार्य की बात करते हैं, हम उनसे काफी परिचित हैं, अमृत चंद्राचार्य की बात करते हैं, जयसेनाचार्य की बात करते हैं, हमारे ही पंचम काल के मुनिराज है ना, ये तीर्थंकरों की मुनि अवस्था बहुत हाई हो जाती है हमारे लिए। अपने ही जैसे थे ना, उनका भी ऐसे ही शरीर था जैसा आपका और मेरा है, हमारे जैसा ही जीवन था उनका, उनको भी भूख लगती थी, ऐसे ही मौसम था, ऐसे ही जंगल थे जहां पे वो रहते थे। हम तो पोन्नूर जा भी आए, उस जंगल को भी देख आए, फील कराए वहां जाके कि उनको कैसा लगता होगा, ऐसे ही कुछ जैसा हमें लगता है, हमारे जैसे ही शरीर था उनका। उनके भी ये शुभ परिणाम थे, उन कषायों को, उन रागों का वो वेदन स्वयं करते थे, लेकिन जब उनके अनुभव में या वेदन में या ज्ञान में ये परिणाम आए, राग आए, अब वो किसी का राग कुंदकुंदाचार्य जैसा राग हो और किसी का राग आयुष तुम्हारे जैसा हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा कितना है, सब अपने अपने पे घटा लेना,
हमारे जैसा हो, जितना भी हम में, किसी में ज्यादा किसी में कम है, हम सब में ना, अपने अपने राग पे घटा लेना। जब वो मुनिराज के राग उत्पन्न होता है, अभी तो मैं सम्यक दृष्टि जीवों की बात कर रही हूं, मिथ्या दृष्टि पे आऊंगी इसके बाद, जब उनके वो राग उत्पन्न होता है, वो उस राग को किस रूप में जानते हैं? जैसे उस मकान को जानते हैं जो 2 महीने पहले ही बेच चुके हैं हम, इस रूप में जानते हैं। ये वही राग है जिसमें 2 साल पहले मुझे एकत्व बुद्धि हुआ करती थी, अब नहीं है। अब तो इस राग को मैंने बेच दिया पुद्गल को, अब ये पुद्गल का है। अब ये राग हो रहा है, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये औदय एक परिणाम है, ये पुद्गल कर्म का उदय है, इसलिए हो रहा है। 36वीं गाथा में ये बात आई है समय सार की। पुद्गल को कहा भावक, पुद्गल कर्म को कहा भावक, और उसके वजह से जो राग मुझ में हुआ उसे कहा भाव्य। ये राग तो है मुझ में, पर ये बिका हुआ राग है, अब मैं इसे अपना नहीं मानता। क्रोध हो, कम हो, ज्यादा हो, मेरा तो नहीं है ना। पॉइंट क्या है? मेरा नहीं है, मुझे मत बताओ। आई हैव गॉट टू डू नथिंग विद इट। क्यों? क्योंकि मैं जैसा हूं, उस स्वभाव में इस राग का अस्तित्व नहीं। मैं एक त्रिकाली ध्रुव हूं, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये मेरा स्वभाव है। राग हो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे में ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिससे राग उत्पन्न हो। मतलब ऐसा पराया कर दिया इस राग को कि स्पष्ट रूप से देखते ही समझ में आ गया कि ये किसी और की औलाद है। वो आई है ना एक नई मूवी अभी, मिम्मी, क्या दिखाते हैं उसमें कि वो गोरे एक पति पत्नी है, उनका बच्चा सरोगेट मदर की तरह इसके घर में पैदा हो जाता है। वो तो भाग जाते हैं अपना बच्चा लिए बिना, पूरा गांव बोलता है कि ये माँ बाप जैसा तो दिखते ही नहीं है, ऐसा गोरा भूरा बच्चा, बाल एकदम सुनहरे, नीली नीली आंखें, के लक्षण को देख के डाउट हो जाता है ना कि इसका बच्चा है कि नहीं है। तुझे लक्षण देख के डाउट नहीं होता राग का? ये राग का जो लक्षण है आकुलता रूप, ये मेरा लक्षण तो नहीं है। ये राग का जो लक्षण है जड़ रूप, ये मेरा लक्षण तो नहीं है। ये राग का जो स्वभाव है बंधन रूप, ये मेरा स्वभाव तो नहीं है। कल हमने वो भूत की बात करी थी जो हम हैं, जो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएं। हम पता है आज कहीं के कहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप जानते हो कि मैं दीवार को पार क्यों नहीं कर पा रही हूं इस वक्त? क्योंकि ये किसी और जाति का कोई और तंतु जो ये शरीर के रूप में मेरे साथ है, उसकी वजह से मैं दीवार को पार नहीं कर सकती हूं। खाली आत्मा तो पूरा लोक में नीचे से ऊपर तक कहीं का कहीं चला जाए, कोई पृथ्वी आ जाए, कोई स्फटिक मणि आ जाए, नहीं? यानी कि आत्मा के पावर्स की जो लिमिटेशन जो क्रिएट करे, वो आत्मा का कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा स्वभाव तो ऐसा है ही नहीं। ये स्वाद भेद है राग में और जीव में। ये आकुलता स्वभावी है, मैं निराकुल स्वभावी हूं। ये जो दुख है ना तुम में, ये दुख तुम नहीं हो, ये दुख राग रूप है। ये दुख इसलिए राग रूप है क्योंकि इसमें आकुलता है, और जिसमें आकुलता हो वो मेरा स्वभाव हो ही नहीं सकता है। अब ये लक्षण भेद जानकर करना क्या है मुझको वाकई में, कि जिस पल में राग अपनी आत्मा में उत्पन्न हो, ध्यान से सुनना, समझ में आएगी, 8 साल के बच्चे को आ सकती है। बहुत बच्चा बच्चा कर लिया मैंने तुमको, तुम डबल हो चुके हो, 2 बार 8 साल पार कर चुके हो, आएगी बात समझ में जो कह रही हूं। उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करो। क्या कहा मैंने कि ये राग जब इस जीव के उत्पन्न हो, उस राग के होने के काल में मेरे उपयोग ने अगर उसको जान लिया, वहां तक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सुनना। लेकिन जब मेरा उपयोग उस राग में टिका रहता है तो बंधन हो जाता है। स्थाई को स्थाई से काटना पड़ेगा, याद है मैंने कहा था
अगर पर मैं टिका रहूंगा तो संसार का वर्धन होता है, संसार बढ़ता है। इसको काटने के लिए स्व में टिकना पड़ेगा तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाऊंगा, वितरागता बढ़ जाएगी, इतनी इतनी बढ़ जाएगी कि पूर्ण हो जाएगी। देखो लेमैन लैंग्वेज में एक बात कहूं कि सम्यक दृष्टि जीव के सामने अगर शेर आ जाए तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा, वो भागेगा डर के कि नहीं भागेगा, उसका चेहरा ऐसा होगा कि नहीं होगा, और हो सकता है तो उसके पसीने छूट जाएं, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। यदि कोई उसके सिर पर डंडा मार दे तो वो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा। ये सब राग के प्रकार बताए, भय के प्रकार बताए मैंने आपको, क्रोध के प्रकार बताए, लेकिन पता है वो सम्यक दृष्टि अब भी क्यों है? क्योंकि ये जो भय क्रोध राग, ये जो भी भय उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उस काल में भी वो ये जानता है कि ये मैं, ये शेर आ रहा है और ये मैं डर रहा हूं, ये मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मेरी चीख निकल रही है। सबको एक एक को जो भी राग होता है, जितना भी राग होता है, परिणाम बिगड़ते हैं सुधरते हैं, वो सबको जान लेता है कि ये मुझ में ऐसा हो रहा है, अपनी कमजोरी के कारण हो रहा है, ये मैं हूं नहीं पर ऐसा हो रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कम समय है, अगले 2-4 मिनट में जितना समझा सकती हूँ समझाऊंगी, बाकी कल लूंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ध्यान से सुनना। हम जैसे नया नया तुम लोग प्रवचन करना शुरू करोगे ना, शास्त्री बनने जाओगे, तो हर व्यक्ति दादा को देखता है, तो वो सोचेगा कि मैं पहला प्रवचन दूं और दादा जैसा पॉपुलर हो जाऊं। तो देखो तुम गलत नहीं हो, लेकिन समय का भेद है, तुम ज्यादा के बराबर होगे तो तुम भी उनके जैसे बन सकते हो, यदि जैसा उनने निरंतर अध्ययन किया वैसा तुम भी करोगे तो। लेकिन तुम सोचो कि मैं पहला बल्ला उठाऊं, बैट उठाऊं और पहली बॉल को मारूं और वो सिक्सर हो जाए, तो वो तो नहीं होएगा ना, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गांधी जी के बारे में लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियां सुन ली, उन्हें लगता है वाओ, एनवी करते हैं, जबरदस्त था उनकी तो, मतलब पूरा देश उनके एक आवाज से खड़ा हो गया और एक आवाज से बैठ गया। तुम्हें मालूम है वो गांधी जी को सर्दी की रात में अफ्रीका में धक्के खाए थे उन्होंने भी, तुम्हें पता है उन्हें भी पुलिस के डंडे पड़े थे। क्या होता है कि हम वो सिर्फ एक फाइनल चीज को देख लेते हैं तो हम भूल जाते हैं। तुम्हें पता है कि दादा को भी प्रवचन में से बीच में उठा दिया गया था, ऐसे दिन उनने भी देखे हैं। और बताऊं, अरे ऐसा दिन मैंने भी देखा है जहां दादर के शिवाजी पार्क वाले स्टेडियम में हम आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग की वर्कशॉप करने गए। पहले हमने लोनावला में की, दिल्ली में की, हैदराबाद में करी, पार्ले में करी, हम बहुत हिट हुए। और दादर के उस हॉल में जब हम गए ना, वाकई में हमारे ऊपर कागज और टमाटर फेंके गए, पता नहीं टमाटर वो लोग कहाँ से लाए थे, सब्जी मंडी के पास ही था वो हॉल। वास्तव में वो दिन हमने भी देखा है, बात तो हमने शुद्ध सात्विक करी, इतनी बड़ी भीड़ में हमें भी टमाटर पड़े। तकलीफ पता है क्या होती है जब राग पे बात आती है, कि हम समझते हैं कि राग हे है और राग का त्याग होना हो जाना चाहिए। हम सीधे सीधे अरहंतों को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे बिल्कुल राग होना ही नहीं चाहिए, मेरे सिर पे कोई सिगड़ी रख दे और मुझे गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। अरे लेकिन वो ही जीव जिनकी तुम बात कर रहे हो, गृहस्थ अवस्था में, संसार की अवस्था में, सम्यक दृष्टि की अवस्था में भी, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद भी, उन सबके जीवन में भी टमाटर पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उन सबके जीवन में भी राग द्वेष उपस्थित रहा है, और उतने राग द्वेष के रहते हुए भी उनका छायिक सम्यक दर्शन टिका रहा है। वो कैसे टिका रहा? क्योंकि जितना राग द्वेष हुआ, उस राग द्वेष को उनने पराए आंखों से देखा, उबर में बैठकर देखा, अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर नहीं देखा। जब सम्यक दृष्टि ये कर सकता है तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता होगा। हम में कौन सी बुराई है भाई, कि तेरी श्रद्धा में कमजोरी है, लेकिन श्रद्धा की कमजोरी पूरी कैसे होगी?
श्रद्धा की कमजोरी तभी पूरी होगी जब ये बार बार हैमरिंग होगी, जब ये श्रद्धा को एक बात ज्ञान में बार बार उपयोग में चोट होगी। जितनी बार राग को जानेगा और निषेध बुद्धि होगी, नहीं ये गलत है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये शरीर को जानेगा, शरीर के दर्द को जानेगा, नहीं ये मैं नहीं हूँ, नहीं ये मेरा नहीं है, एक दिन वो आएगा, ये नहीं 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 तेरी श्रद्धा में आ जाएगा। और ये श्रद्धा में ऐसा आएगा कि फिर तेरी खुद की कमजोरी से भी ये राग उत्पन्न होगा, लेकिन राग की उपस्थिति के कारण मोक्ष मार्ग किसी का रुका नहीं है। राग के रहते हुए, शरीर के रहते हुए सारे जीव आज तक जो भी मुक्त हुए हैं, इनके रहते हुए ही मुक्त हुए हैं। तो मेरी भी मुक्ति हो सकती है। मैं बहुत पापी हूँ, मेरे बहुत परिणाम बिगड़ते हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबके होते हुए भी सिर्फ इससे भिन्न अपने आप को जानने का काम, ये तो है ज्ञान का काम। और ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न होने का जो काम है वो है कर्म का काम। कर्म को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करना है। कर्म राग उत्पन्न करता है तो करे, मैं उस पर उपयोग लगाऊंगा ही नहीं। ये तो मेरे हाथ में है ना, मैं उसमें अपना उपयोग टिकाऊंगा ही नहीं, मेरी रुचि तो उसमें रहेगी ही नहीं। तुम दिखा दो, कोई वो वाल्मीकि आदि मुनिराज थे, उनके सामने कौन उर्वशी वगैरह वो देवांग नाचने लग गई। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उनने आंख उठा के देखा ही क्यों, मत देखते। मतलब तुम्हारे आगे नाचना नहीं नाचना उनके हाथ में है, पर उनको देखना या नहीं देखना ये किसके हाथ में? नहीं देखना तो मेरे हाथ में है ना। ऐसे ही राग हो तो हो, शरीर रहे तो रहे, इनके रहने से मेरा कोई विरोध नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ मैंने हे रूप जानता हूँ, हाँ मैंने पर रूप जानता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान अगर हमारा सही रहेगा तो वितरागता की शुरुआत होगी और इसी से वितरागता की वृद्धि होगी। तो इस बात के साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करूंगी, आगे की हम चर्चा करेंगे कल। यदि कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछें। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो हाथ ऊपर कर ले, अगर उसे अनम्यूट करना अलाउ नहीं हो रहा है तो। कुछ लोग मुझे बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब मुंह हिलाते हुए, तो अब पता नहीं मुझसे बात कर रहे हैं या मुझसे बोलना चाहते हैं या। आयुष अनम्यूट करना अलाउड है लोगों को? तो मुझे ये पूछना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे छठ पे गुण स्थान में आपने कहा कि शुभ परिणाम होते हैं, तो शुभ के साथ अशुभ भी होते होंगे? देखो, अगर अंतर मुहूर्त तक शुद्ध में नहीं गए तो अशुभ होना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने कहा, सर्वार सिद्धि में तुम आगे जाके अभी पढ़ोगी, गोमटसार में भी आता है, अनेक प्रकार के मुनिराज होते हैं, किस किस मुनिराज के कितने कितने अशुभ हो सकते हैं और कितनी कितनी तीव्रता से हो सकते हैं, किस किस लेशा में वो जा सकते हैं, पूरी व्याख्या शास्त्रों में है। तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन वो जो भी होते हैं उन परिणामों में उनका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता है। बढ़िया, अगर सब लोग सब बात समझ चुके हैं तो अपन अंत मंगलाचरण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सह
ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को।